स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ सेक्शन पोएम। पोएम नंबर टू है हमारी इंडियन वीवर्स। ओके, वीवर का मतलब ही होता है कुछ बुनने वाला, मतलब एक होता है आपका कपड़ा, जो तैयार कपड़ा होता है जिसको आप स्टिच करके डायरेक्ट अपने ड्रेस सीते हैं। एक ही कपड़ा आता कहाँ से, क्लॉथ कहाँ से आता है, एक होता है क्लोथ्स, एक होता है क्लॉथ। तो जो क्लॉथ होता है वो धागों से मिला के एक टेक्सटाइल बनता है। तो जो बाय हैंड काम करते हैं आज भी इंडिया में, यूपी में, बनारस में बहुत वीवर्स हैं। ओके, बुनते हैं, कपड़ा बुनने वाले, इन्हें बुनकर कहा जाता है हिंदी में। कपड़ा बुनने को वीवर, वीविंग कहा जाता है। ओके, तो यहाँ इंडियन वीवर्स के बारे में सरोजनी नायडू हमें पोएम दे रही हैं, और इनका पूरा नाम सरोजनी नायडू चट्टोपाध्याय था, और ये 13 फरवरी 1879 में इनकी बर्थ है और 2 मार्च 1949 में इनकी डेथ है। ये एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर गुजरी हैं। ओके, और इन्होंने इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी रह चुकी हैं, और ये यूपी की गवर्नर रह चुकी हैं, और इन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोयल जैसी आवाज़ के लिए अब इनकी आवाज़ अच्छी थी, या इनकी पोएम्स को गा के भी पढ़ा जाता है, दैट्स वाई इन्हें नाइट एंगल कहा जाता है। ओके, तो इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये इनकी पिक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सरोजनी नायडू की। ओके, नाउ अब हमारे पास पोएम आ रही है। मैंने पोएम को क्या किया है, मैंने पोएम को स्टेंजा वाइज, जैसे मैंने पोएम नंबर वन कराई थी उसी तरह से इस पोएम को भी हमने स्टेंजा वाइज एक्सप्लेन करा है, लाइन टू लाइन। मैं पोएम भी पढ़ूंगा जो एक्चुअल पोएम की लाइंस हैं, और फिर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, इंग्लिश में ही होगा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन सिंपल लैंग्वेज हिंदी में कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। इस एक्सप्लेनेशन को एक बार आप पढ़ लें या लर्न कर लें तो इससे बाहर फिर कुछ बचता नहीं है। ये बिल्कुल टू द पॉइंट है और डिटेल में है। ओके, सो क्लास ट्वेल्थ HSC सेक्शन पोएम 2.2 इंडियन वीवर्स, रिटन बाय सरोजनी नायडू। न्यू सिलेबस है, स्टेंजा नंबर वन है जो अबाउट चाइल्डहुड है, या न्यूबॉर्न के लिए है, चाइल्डहुड के बारे में है। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट्स सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हाल्शन वाइल्ड, वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। इसमें दो लाइन्स अलग हैं और दो लाइंस अलग हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग के दो या तीन लाइंस में वो क्वेश्चन कर रहा है, और लास्ट लाइन में वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, लास्ट लाइन में वो उसको रिप्लाई दे रहा है। मतलब जो हमारी पोएट्रिस ने स्टार्टिंग की टू लाइंस में जो क्वेश्चन पुटअप किया है, तो मैंने उसको रेड में रखा है और बाद में ग्रीन में हमने उसके रिप्लाई को रखा है। ओके, सो वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। In the first stanza, the poet asks the weaver, वो weavers को, बुनकरों को जो बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उनसे poet हमारा question कर रहा है कि why they are weaving clothes early in the morning? इतनी सुबह सुबह early in the morning वो weaving क्यों कर रहे हैं? Which seems to be quite beautiful and charming. Charming, gay का मतलब happy भी होता है, गे का मतलब चार्मिंग भी होता है, कोई चीज़ बड़ी निखरी हो, बहुत ही ज़्यादा चमकीली हो, उसे गे कहा जाता है। ओके, तो वो क्वेश्चन कर रही हैं कि इस मॉर्निंग में, वो भी इतनी अर्ली मॉर्निंग में, सीम्स टू बी क्वाइट ब्यूटीफुल और चार्मिंग, द क्लोथ्स आर ब्लू एज द विंग ऑफ हाल्शन वाइल्ड। हाल्शन एक बर्ड है जो किंगफिशर है, तो हाल्शन जो है इज़ द अदर नेम ऑफ किंगफिशर है, किंगफिशर एक बर्ड होती है। ओके, द विंग्स ऑफ द किंग फिशर आर ब्राइट ब्लू इन कलर। ये जो विंग्स होती हैं किंग फिशर बर्ड की, जिसे आप हाल्शन भी कहते हैं, ये बड़ी ब्राइट और ब्लू कलर की होती है। ओके, इन एडिशन ब्लू कलर ऑल्सो सिम्बलाइज करता है किस चीज़ को, लॉयल्टी को, समथिंग ब्यूटिफुल एंड प्रीशियस, मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है, प्रीशियस है, लॉयल है, उसे भी ये ब्लू कलर
रिप्रेजेंट करता है। तो पोएटिस ने इन दिस स्टैंजा क्लोथ्स वीव्ड बाय द वीवर आर क्वाइट स्पेशल हैं एंड दिस इज़ व्हाई द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट देम। मतलब ये बहुत ही स्पेशल कुछ है, इसलिए हमारा जो पोएट है, पोएटिस हैं नायडू जी, वो जानना चाहते हैं कि क्या स्पेशल है। द इंडियन व्यूअर्स रिप्लाई, अभी स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन था, ओके अब इंडियन व्यूअर्स रिप्लाई दे रहे हैं। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, हम वीव कर रहे हैं रोब्स ऑफ, रोब्स मतलब कपड़ा, क्लॉथ, जो बच्चे को कपड़े, जिस कपड़े में लपेटा जाता है या रखा जाता है उसे आप रोब्स कहते हैं। न्यू बॉर्न चाइल्ड, दे आर वीविंग द ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर अ यंग वन हु हैज़ जस्ट केम टू द वर्ल्ड। मतलब उन्होंने एक यंग वन के लिए, एक बच्चे के लिए वीव किया है ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर अ यंग वन, जो अभी दुनिया में जस्ट आया है, ओके उसके लिए वो रोब बनाया है। तो पहला स्टैंजा मैंने कहा था ना चाइल्डहुड के बारे में। अ नंबर ऑफ इमेजेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस आप इस फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, वैसे भी इस पोएम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, बच्चे के पैदा होना, फिर उसकी मैरिज और फिर उसकी डेथ। तो ये तीन स्टेजेस में वैसे भी ये पोएम है, और जो इसके थ्री स्टैंजा है वो भी फोर फोर लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट फोर लाइंस चाइल्डहुड को, यानी बॉर्न होने को, फिर एक स्टेज आती है दैट इज़ मैरिज स्टेज आएगी एडल्ट वंस की, और एक लास्ट स्टेज है हमारे पास, उसमें डेथ स्टेज आएगी, मतलब जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो नंबर ऑफ इमेजेस डिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को, लाइक अ ब्रेक ऑफ डे का है, जैसे नई सुबह होना, नई शुरुआत होना दिन की। गारमेंट सो गे, वो बड़ा ही अच्छा गारमेंट है, चमकीला गारमेंट है। एंड ब्लू एज द विंग ऑफ द हल्शियन वाइल्ड, उसने ये कहा कि ये ब्लू कलर है जैसे कि बर्ड का कलर है। दिस स्टेज इज़ अबाउट फ्रेशनेस, एक्चुअल में ये स्टेज आपकी फ्रेशनेस, आपकी ब्यूटी को बताने के लिए, कि देर इज़ नो सॉरो इन दिस स्टेज, मतलब जो बचपन की ये जो छोटी स्टेज होती है इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, बर्डन नहीं है, हम टेंशन फ्री हैं, ओके दैट्स व्हाई उसने वर्ड यूज़ किया है नो सॉरो इन दिस स्टेज। स्टैंजा टू आएगा जो एडल्टहुड को एक्सप्लेन करेगा, इसमें भी चार लाइन आ रही हैं। वो फिर क्वेश्चन कर रही हैं, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, बट टाइम चेंज हुआ है, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। अब इसका आंसर है, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव, अब ये वीवर्स कह रहे हैं कि वी वीव द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन, हम किसी क्वीन की मैरिज व्हील को बुन रहे हैं, वीव कर रहे हैं। मैरिज व्हील मतलब एक तो व्हील पर्दे को भी कहा जाता है, या उड़नी को कह सकते हैं आप, या कोई घूंघट को कह सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट अगेन मीट्स द इंडियन व्यूअर, अब ये पोएटेस, ये हमारी पोएट फिर इंडियन व्यूअर से मिल रही हैं, दिस टाइम ड्यूरिंग द फॉल ऑफ नाइट, अब ये फॉल ऑफ नाइट शाम का टाइम है, आगे लिखा है ना इवनिंग और डस्क टाइम, व्हेन द सन सेट्स एंड डार्कनेस पेव द वे, मतलब जब सनसेट जस्ट होता है, ओके उस टाइम को फॉल ऑफ नाइट कह रही है वो, और जब डार्कनेस स्टार्ट होती है पेव्स द वे, रास्ता देती है। मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो द टाइम ड्यूरिंग विच मोस्ट ऑफ द इंडियन मैरिजेस टेक्स प्लेस, और यही शाम का टाइम वो होता है, मतलब रात में जो रात स्टार्ट होती है, कि यही इंडियन मैरिजेस की शादी का टाइम होता है। नॉर्मली इंडिया में मैरिजेस इसी टाइम पे होती हैं। द पोएट क्वेश्चंस द वीवर व्हाई दे वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, अब वो क्वेश्चन फिर कर रही है कि तुमने ये जो वीव किया है गारमेंट, क्वीन की व्हील जो आगे बढ़ाएगा भी, इतना ब्राइट क्यों है, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, जैसे कि पिकॉक के पंख होते हैं पर्पल और ग्रीन कलर के। द गारमेंट एट दिस टाइम इज़ ब्राइट है, फुल ऑफ कलर है, एक फेदर की तरह, पंख की तरह, जैसे पिकॉक के पंख होते हैं। द वीवर रिप्लाई, अब वीवर रिप्लाई करेगा, क्या रिप्लाई करेगा, दे वीव द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन, दस रेफरिंग टू द सेकेंड, और इन अदर वर्ड्स एडल्ट स्टेज ऑफ द लाइफ को बताया गया है, जब इंसान की शादी होती है, एक तो पैदा होने की स्टेज थी,
वैसे तो लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, बट हमारी पोएट ने इसको तीन स्टेज में, एक बर्थ, फिर मैरिज और डेथ में क्लासिफाई किया है, तो हमें भी वैसे ही पढ़ना है। ड्यूरिंग दिस स्टेज ह्यूमंस आर क्वाइट एक्टिव होते हैं, मतलब ये वो एज है, ग्रोन अप होते हैं, शादी का टाइम है, क्वाइट एक्टिव होते हैं। दे लव ईच अदर, गेट मैरिड एंड क्वेस्ट फॉर द बेटर एंड प्रॉस्परस लाइफ, मतलब एक कपल है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, और क्वेस्ट का मतलब होता है इंग्लिश में किसी चीज़ का पीछा करना, और बेटर एंड प्रॉस्परस लाइफ के पीछे जाना। सही बात है, अब शादी हो गई है तो आपको अपनी लाइफ को बेटर और प्रॉस्परस बनाना है ना। द कलर्स पर्पल एंड ग्रीन सिंपलाइज यहाँ कर रहा है सॉरो और हैप्पीनेस को, और स्ट्रगल को भी, मतलब ये आपका दुख और सुख को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईज इन वन एडल्ट स्टेज एंड दीज ऑल कलर्स आर अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, और ये जो कलर्स हैं जिससे वो कलर्स से अपनी बात बता रहा है हमारा पोएट, ये एक्चुअल में लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है ना। मेक द एडल्टहुड ब्राइट, मतलब जब ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसी से हमारा जो एडल्टहुड होता है, जो जवानी होती है, वो ब्राइड बनती है। जैसे कि वो ब्राइड गारमेंट वीव कर रहा है क्वीन की व्हील के लिए। थर्ड स्टैंजा जो है, जो हमारा लास्ट स्टैंजा है, ये अबाउट डेथ है। वीवर्स वीविंग सॉलन एंड स्टील, वॉट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, वॉट। अब देखेंगे दोनों स्टैंजा में ऊपर पहले वाई आया था, मतलब वो क्वेश्चन कर रही है, अब के वॉट आया है, तो इसका भी एक मीनिंग है जो मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ आपको। वीवर्स वीविंग सॉलन एंड स्टिल, वॉट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, ये क्वेश्चन आ गया फिर से। अब इसके रिप्लाई में आएगा, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज क्लाउड वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। इन द फाइनल स्टैंजा पोएट फाइंड्स दैट द वीवर सॉलन एंड स्टिल है, यानी क्वाइट है, रुका हुआ, चुप, खामोश, सीरियस, सॉरोफुल है, ग्रीव्ड है और साइलेंट है, मतलब कुछ दुख है, क्योंकि जो लास्ट स्टेज है वो अबाउट डेथ है, तो वो डेथ हैप्पीनेस की तो स्टेज नहीं हो सकती है। स्टार्टिंग की दोनों स्टेजेस हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है, स्टार्टिंग की दोनों स्टेजेस आपकी हैप्पीनेस की स्टेजेस है, चाहे वो बर्थ की स्टेज हो या मैरिज की स्टेज हो, लेकिन अब डेथ की स्टेज है, दैट्स वाई ये वर्ड आ रहे हैं कि क्वाइट है, सॉरोफुल है, ग्रीव्ड है, ओके, एंड साइलेंट है, चुप है। दे आर वीविंग समथिंग वियर्ड इन द मूनलाइट चिल, मतलब वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जो काफ़ी वियर्ड है, अजीब है, ओके। इन द डेड ऑफ द नाइट विच इज वाइट एज फेदर, अब वो पहला केस हमारा मॉर्निंग का था जब डे ब्रेक होता है, सेकेंड स्टेज में उसने हमें बताया जब नाइट स्टार्ट होती है, जस्ट इवनिंग टाइम, डस्क कह सकते हैं आप, ओके। और थर्ड स्टेज में वो कह रहा है नाइट का टाइम है, डेड ऑफ नाइट है, मतलब नाइट काफ़ी गुजर गई हो। इन द डेड ऑफ द नाइट विच इज़ वाइट है एज अ फेदर, एक पंख की तरह, एंड वाइट एज क्लाउड है, बादलों की तरह, दैट इज कलरलेस है और लाइफलेस है, ठीक है। जब इंसान नहीं रहेगा इस दुनिया में तो वो लाइफलेस ही हो जाएगा ना, और ना कोई कलर रहेगा, क्योंकि बीच में उसे कलर के बारे में बताया था ऊपर, ठीक है ना, प्लम्स ऑफ पैरेट पर्पल एंड ब्लू, तो वो कलर्स अब नहीं है, अब लाइफलेस है, क्योंकि इंसान मर चुका है। एज द पोएट फेल्स टू फिगर आउट व्हाट इट इज द क्लॉथ एंड व्हाई दे आर सॉरोफुल एंड साइलेंट, शी आस्क्स देम व्हाट आर दे वीविंग, मतलब इस स्टेज में आके व्हाई क्यों नहीं किया, व्हाट से क्यों पूछा, व्हाई से क्यों नहीं पूछा, क्योंकि पोएट खुद फेल हो गई है इस बात को फिगर आउट करने के लिए कि जो क्लॉथ है तो जो बना रहे, तो ये हैप्पी क्यों नहीं है, सॉरोफुल और साइलेंट क्यों हैं ये लोग। तो शी आस्क्स देम व्हाट आर दे वीविंग रादर देन व्हाई आर दे वीविंग, मतलब क्यों नहीं पूछा है, क्या पूछा है। दे रिप्लाई दैट दे आर वीविंग श्राउड, क्लॉथ पुट ऑन द डेड बॉडी, कफन, वो कहते हैं हम कफन को हम बना रहे हैं डेड पर्सन के लिए। थर्ड स्टैंजा के अंदर फाइनल स्टेज जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, मोशन,
विच इज़ इमोशन लेस है और लाइफ लेस है, लाइक अ वाइट क्लाउड, एक सफ़ेद बादलों की तरह जिसमें ना पानी होता है, ना कोई आवाज़ होती है, ना कोई बेनिफिट होता है उसका, डायरेक्ट बेनिफिट, और फेदर की तरह. इन दिस वे द लाइफ विच बिगिंस विद द लाइफ जॉय होप एंड्स विद सॉरो एंड ग्रीफ. मतलब वो लाइफ जो हमारी लाइफ है वो स्टार्ट तो होती है बड़ी जॉयफुल, बड़ी होपफुल, बड़ी इन्जॉयमेंट, बड़े खुशी खुशी हैप्पीनेस के साथ जब बर्थ का पीरियड हो, स्टेज हो, या हमारी मैरिज की स्टेज हो. लेकिन ये जो स्टेज है, फाइनल स्टेज, ये किसकी है? सॉरोनेस की और ग्रीफ की है, दुख की है, शोक की है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम. कुछ की पॉइंट्स आ रहे हैं. इंडियन व्यूअर बाय सरोज नायडू, सम अप द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. इन्होंने इंसान की लाइफ को सम अप किया है थ्री मेन स्टेजेस में. जो सिंबल्स हैं, जिसमें सिंबल्स यूज किए उन्होंने, क्लोथ्स को और टाइम को. एक क्लॉथ है हमारा न्यूबॉर्न का, ओके, रोब आया था, टाइम था बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग. फिर एक चीज़ थी हमारी मैरिज व्हील, ये भी एक क्लॉथ है, और टाइम था जस्ट इवनिंग एंड होके जो नाइट स्टार्ट होती है, ओके. और एक हमारी चीज़ बन रही है जो श्राउड है, जो कफन है, जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, और इसका टाइम आ रहा है नाइट फोर, काफ़ी जब नाइट गुजर जाए, ओके. तो ये जर्नी ऑफ द लाइफ बिगिंस होती है वन कलर ब्लू, विच मीन्स जॉय एंड हैप्पीनेस से, और इट कॉन्टिन्यू विद द एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ कलर्स. इंसान की लाइफ में बहुत सारे नंबर ऑफ कलर्स आते रहते हैं, एडअप होते रहते हैं. सॉरो ऑल्सो एंटर इन टू द लाइफ, और दुख भी लाइफ में एंटर करता है अलॉन्ग विद हैप्पीनेस. मतलब सिर्फ लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं होती है, उसके साथ साथ दुख भी शामिल है, होता है. लाइफ इज़ मोर एक्टिव इन दिस स्टेज देन इन द फर्स्ट स्टेज. लाइफ ज़्यादा एक्टिव होती है इस स्टेज में देन इन द फर्स्ट स्टेज. इन द फाइनल स्टेज ऑल द कलर्स वैनिश हो गए, ओके. और मतलब जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज की हैप्पीनेस थी वो कहीं वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई, अवे. अ सिंगल कलर वाइट रिमेन्स, विच मीन्स एक सिंगल कलर रह गया जो वाइट है, जिसका मतलब है इमोशन आर कनेक्टेड विद लाइफ एंड व्हेन द पर्सन डाइज इमोशन ऑल्सो डाई. मतलब इमोशंस जब भी तक कनेक्टेड हैं किसी ह्यूमन के दूसरे ह्यूमन से, जब तक लाइफ है, और जब लाइफ नहीं रहती तो इमोशन ऑल्सो डाई. तो इस तरह से एक पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग और स्मॉल पोएम है, सरोजिनी नायडू ने लिखी है, जिसको उन्होंने 4-4 लाइन्स करके 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताई है. एक स्टेज है बॉर्न वाली स्टेज, जिसमें भी वो क्लॉथ ही बना रहा है, गारमेंट बना रहा है, लेकिन बहुत खुश है क्योंकि वो स्टेज खुशी खुशी वाली है. दूसरी स्टेज है जिसका टाइम अर्ली मॉर्निंग का है. दूसरी स्टेज है जो इवनिंग का टाइम है, या जो इवनिंग एंड हो गया, जस्ट नाइट स्टार्ट होती है, ओके, वो वाली स्टेज है. और इस स्टेज में भी वो हैप्पी है, खुशी खुश है. क्यों? क्योंकि वो चीज़ ऐसी बना रहा है जो मैरिज से रिलेटेड है, और मैरिज भी हैप्पीनेस को शो करता है, ओके. फिर तीसरी स्टेज है जो अबाउट डेथ है. फिर वो एक क्लॉथ ही बना रहा है, गारमेंट ही बना रहा है, लेकिन ये गारमेंट मौत में इस्तेमाल होता है, कफन है, ओके. और इसका जो टाइम उसने रखा है वो लेट नाइट रखा है, इसको कलरलेस, लाइफलेस बताया है, लाइक अ वाइट क्लाउड. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम की लाइंस भी मैंने पढ़ी, और एक एक लाइन का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ओके, इंग्लिश में आपको सब दिख भी रहा है. उसको मैंने सिंपल हिंदी में बोल के आपको ईजी करने की कोशिश की है, ताकि आपको पोएम समझ में आए. आप चाहें तो इसका PDF मुझसे मंगा सकते हैं, मुझे मैसेज करें, और इस पोएम को आप प्रिपेयर करें. फिर आगे हम अपनी वीडियोस में बताएंगे कि पोएम्स की एक्सरसाइज कैसे होती है, और हमें इसको फिर आगे प्रिपेयर कैसे करना है, ओके. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम, इंडियन व्यूअर्स. थैंक यू.